अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी YouTube फैमिली। उम्मीद है अल्लाह पाक आप लोगों को तंदुरुस्त रखे हो इसी तरीके। बिल्कुल नाजिक भाई की तरफ से सब बहन भाई जो भी हमारी वीडियो देखते हैं अल्लाह पाक उनको तंदुरुस्त रखे है, और साथ साथ हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। अच्छा जी, चलें जी, आज हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे पास इस टाइम पे कौन सी गाड़ी है और क्या काम करने जा रहे हैं। इस टाइम पे काम हमारा ये है, हमारे पास टोयोटा जापानी 1000 सीसी है, 2013 मॉडल है इस टाइम पे। और उस गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम ये थी, आते हुए हमारे जो कस्टमर्स है वो उन्होंने जो है ना आते हुए उनका ब्रेक फेल हुआ था। फेल होने की वजह ये थी वो एहतियात बिल्कुल नहीं करते। मैंने भी काफ़ी बार उनको बोला है तो भाई एहतियात जरूर किया करो। आपने तीन चीज़ें चेक करनी होती सुबह उठने से पहले जब आप गाड़ी निकालते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपने पानी चेक करना है गाड़ी का, वाटर, और सेकंड नंबर इंजन ऑयल आपका, और तीसरे नंबर पे जो आपका ब्रेक कर ले, 2 से 3 मिनट लगते हैं मैक्सिमम ये सारी चीज़ें चेक करने में। आपका इंजन भी सेफ रहेगा, आप भी सेफ रहेंगे, अल्लाह न करे कोई प्रॉब्लम हो तो वो गाड़ी चला रहे थे तो उन्होंने मुझे बहुत कहा नाजिक भाई बिल्कुल अमन जैसी ब्रेक जो है वो लग नहीं रही थी। तो मैंने कहा ठीक है गाड़ी खड़ी करें, हमने गाड़ी को चेक किया। चेक करने के बाद जो उसका पीछे फ्रंट के ब्रेक पैड तो सही थे, तो सेकंड ब्रेक शू जो था पीछे व्हीलों को हमने वो खोला तो बहुत बुरी हालत थी। उसके अंदर जो था लेदर वो बिल्कुल एंड था। इसी वजह से कहता हूँ आप लोग एहतियात किएगा, जो भी मेरी वीडियो भाई देखते हैं, जितने भी ड्राइवर भाई हैं कोई भी है, सबके लिए जो भी गाड़ी यूज़ करते हैं ये सबके लिए मेरे लिए मैसेज है, क्योंकि ऑयल पानी गाड़ी के लिए एहतियात ज़रूरी होना चाहिए। चलें ये मेरे चैनल पर अगर कोई नया मेरा भाई उसको लाइक करें, बेल घंटी दबाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो हमारी एंड तक देख करके वॉच किया करें। चलते हैं अभी इस टाइम पे काम की तरफ, आइए नाजिक भाई के साथ। चलें जी यहाँ पर आपको दिखाते चलें ब्रेक शू की क्या हालत हुई है, ये देखें बिल्कुल। यहाँ बिल्कुल जो है फारिग हुए हैं, यहाँ पर ब्रेक शू ये देखें, यहाँ पर जो है ना हम ब्रेक शू चेंज करेंगे क्योंकि गाड़ी का ब्रेक बिल्कुल नीचे था यहाँ पर। और इस टाइम पे जो है ना आपको ये देखें बिल्कुल फारिग हुए हैं यहाँ पर ब्रेक शू, और यहाँ पर हम लगाएंगे नया सेट बिल्कुल, वो आपको दिखाएंगे ब्रेक शू कैसे लगते हैं। चले जी यहाँ पर जो है ब्रेक शू ले आए हैं, आपको पुराने वाले दिखाते हैं। सबसे पहले ये देखें बिल्कुल जो है ना ये फारिग हुए हैं, यहाँ पूरा लेदर इसका ख़त्म हो चुका है और ब्रेक शू बिल्कुल ख़त्म हो गया। अभी इसकी जगह जो है हम लोग नया सेट लेके आए हैं, नया अभी इसके अंदर फिट करेंगे। ये देखें बिल्कुल नया लेदर है इसके अंदर, अभी जा रहा है इसकी तरफ फिटिंग की तरफ, फिटिंग इसकी अभी करेंगे। चलो आपको हाथ का दिखाते रहेंगे नाजिक भाई, सारा ये मज़ा आ जाएगा अभी। चलो जी अभी जो हम फिटिंग करने जा रहे हैं, सबसे पहले जो है ना ये हैंग ब्रेक केबल बैठाएंगे इसके अंदर, ये आ गई, और अब जा रहे हैं हम ब्रेक शू, ये इसकी कील पट्टी आ जाएगी वो हम इसके अंदर यहाँ लगा रहे हैं, ये इसका स्प्रिंग आ जाएगा, स्प्रिंग के बाद जो है ये लाग पट्टी आएगी इसकी, लाग पट्टी हमने बढ़ा दी यहाँ पर, रही यहाँ आ जाएगा। अभी हम ब्रेक शू इसके अंदर फिटिंग करेंगे, और सबसे पहले जो है इसका जो है ये स्प्रिंग बढ़ाएंगे यहाँ पर, यहाँ पर जो अभी हम इसका स्प्रिंग बढ़ाएंगे, ये इसमें बढ़ेगा, और साथ साथ जो है ये बिल्कुल आसान है, इतना नहीं है मुश्किल, और जो अभी हमने यहाँ से स्प्रिंग इसका बढ़ा चुके हैं इधर, अब हम जो ना जा रहे हैं इसका नीचे वाला स्प्रिंग लगाने के लिए, और स्प्रिंग यहाँ पर लगेगा इसका, जो कि
तो ये अब हमने नीचे वाला स्प्रिंग लगा दिया इसका। ओए 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 चोट भी लग गई थी। अब हम इसका बिठाएंगे लॉक पिन। ये आ गया लॉक पिन। इसका लगेगा यहाँ पर स्प्रिंग। ये नहीं दिखाना इसमें। अच्छा जी चलो, यहाँ पर जो अभी यहाँ अभी हमने इसको जो फिट कर दिया है इसको, अब रह गया एक स्प्रिंग, वो अब हम लगा रहे हैं यहाँ पर। वो आएगा जी यहाँ पर। चले जी यहाँ पर आपको दिखा दी है फिटिंग, यहाँ पर फिटिंग दिखा दी अभी कंप्लीट। अभी आपको मजीद और चीजें दिखा दूँ कौन कौन चीजें कैसे लगी। चले जी यहाँ पर जो है अभी आपको फिटिंग दिखाते चले, और यहाँ पर जो है ये देखे बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर ये देखे बिल्कुल हमने ब्रश फिटिंग सारी चीज अपनी जगह लगा दी है, और यहाँ आपको कंप्लीट फिटिंग दिखा दी है मैंने। अभी हम इसका बिठाएंगे ड्रम। ड्रम फिक्स करने के बाद फिर नाजिर भाई को इजाजत दिएगा। चले जी यहाँ पर जो है अभी हम ड्रम फिक्स करने वाले हैं ब्रेक शूज पर। चले जी यहाँ पर जो है कंप्लीट फिटिंग हो गई है, यहाँ पर हमने कंप्लीट फिटिंग कर दी है। और नाजिक भाई का काम अच्छा लगे और लाइक कमेंट अच्छे अच्छे कर दिएगा। फिलहाल नाजिक भाई को परेश फिटिंग के साथ इजाजत दी है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।